तो माँ जी आज पिताजी का फोन आया, पिताजी बोल कुछ दिन में आने वाले हैं। कब आ रहे हो पापे फिर? बहुत जल्दी आ रहा हूँ बेटा मैं, दीपावली के बाद जो है ना। हाँ तो आपको पहले बधाई दे दो, अच्छा 60,000 सब्सक्राइबर के लिए जो है। सुप्रभात दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागड़ा, स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। वैसा मौसम पूरा साफ, नीला आसमान, बाकी सूर्य देव चमक रहे हैं। और आजकल तो तुम्हारी बहन अनीता भी चमक रही है, तुम्हारी हो या हमारी हो बात एक ही है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड चौमिन नहीं गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा मत बोलना, खबरदार। पता क्यों? क्योंकि बेटा बोलने वाला जो अपना बाप है वो आने वाला है। यस! क्यों? तो आप लोगों को एक खुशखबरी देता हूं मैं, यानी कि कुछ दिनों बाद आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, यानी कि अपने बापा जो है फिर से घर आने वाले हैं काफी महीनों बाद, और काफी महीनों बाद आपको फिर से एंटरटेनमेंट करेंगे। वही कॉमेडी होगी, वही हंसी मजाक होगा, मस्त करके माहौल बिंदास होगा। तो चलिए जी, आज शनिवार है तो अनीता को याद है कि आज सफेद ड्रेस ले जानी है। ये तो नहीं भूल गई, एक छोटा पटाखा दिखाता हूँ आपको। हेलो 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 हेलो, अरे प्रणाम प्रणाम, कहाँ जा रहे हो? अच्छा स्कूल ही जा रहे हैं ना? पक्का जा रहे ना, कहीं बंक मारने तो नहीं जा रहा? तब ठीक है। स्कूल चले हम सिर्फ गुनगुना ही सकते हैं साहब, अपनी उम्र तो गई स्कूल वाली। जब थे उस टाइम सोचते थे कि कब होगा स्कूल खत्म, लेकिन जब अभी स्कूल छूट गया है उसके बाद मन कर रहा है कि काश फिर से वो दिन आ जाते, लेकिन ना आने वाले अब। ये देखिए जी, लड़कियों को सबसे पहला जो शौक होता है अपने उनको संवारने का बहुत ज्यादा होता है भाई। देखो यहाँ, ए बाबा हर चीज देखना पड़ता है, रिबन कैसा है, बाल कहीं खराब नहीं दिखाई दे रहे हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डांट पड़ती है, बाकी मैडम लोग भी इनको संवारने में बहुत सहयोग देते हैं। संवारे नहीं तो दे पेल के सिद्ध। भाभिया आज दादी के ऊपर बैठ रखी है, वाह वाह वाह, जय करो। अरे वाह वाह, सही है सही है सही है। तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और ये जो रूप है ये बचपन में सही लगता है, जैसे बड़े हो जाते हैं उसके बाद तो शैतान का रूप लगते हैं। हाँ जी, कभी तुम भी भगवान का रूप थे छोटे में, नहीं और तो हवान हो गई तू। नहीं नहीं, तू तो भगवान है, जा शाबाश। भगवान की भक्त? कौन से भगवान की भक्त है तू? ए बाबा, चल चल जा जा। अक्सर तो लोग तभी ज्यादा भगवान को याद कर रहे हैं जब किसी मुसीबत में है, सुख में तो कोई याद ही नहीं कर रहा यार। क्या हो गया इंसान, हर चीज का मतलब निकालना चाहता है बस। और यहाँ देखे, हेलो 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 यार, आपको नहीं मिला यार सुबह सुबह। और क्या हाल है, क्या हाल है? अरे जवान हो रहा है, जवान हो रहा तू, लौंडा हो गया, क्या बात है, ब्याह कराना पड़ेगा तेरा बिनी। सही है सही है, पिछले साल छोटा था अब देखो लौंडा हो गया भाई। मदली मदली, नहीं 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 नहीं, भाई साहब बस बस हो गया हो गया, ये तो खतरा है भाई, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरी। 10 बज गए और अंदर नाश्ता रख दिया गया है, और बाकी अपना सोनू महाराज यहाँ पे फर्स्ट करना है। बस 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 हो गया, वहाँ वहाँ पूछ ला इसको, जैसे हेलो हाई करता हूँ ये पूछ ला, तो इसको पता ज्यादा करो तो कोई ऐसा नहीं हो कि मालिक साहब दूसरे रूप में आ जाए। चलिए जरा यहाँ देखते हैं, नाना जी तो नाश्ता कर रहे हैं, चलो बढ़िया। और ठंडा इतना हो रहा है कि कंबल भी निकालना पड़ रहा है भाई, नहीं तो ठंड लग रही बहुत ज्यादा, जबकि धूप है बाहर लेकिन अंदर नहीं रहा जा रहा है छांव में। बाकी मेले में माने लौकी की सब्जी रोटी और गर्मा गर्म चाय रख दी है, तो नाश्ता तो कर लिया है। बाकी नाश्ता करने के बाद नाना जी थोड़ा भूख बढ़ाने की टॉनिक पी रहे हैं, पी ली, चलो बढ़िया। तो भाई उस उम्र में भूख बढ़ाने की भी टॉनिक पीनी पड़ती है, हमारे जमाने में तो हमारी उम्र में भाई साहब पहले से भूख बढ़ी रहती थी, किसी की खाने की भूख, किसी की चोरी की भूख, किसी की डाका डालने की भूख पहले से बनी रहती थी भाई। और यहाँ भाई क्या कर दिया माने, मधुरी और बिंदु को अंदर बांध दिया, बांध ली, तो बाकी नहला भी दिया उनको, ठाट पड़ गए उनके। हर कितना कि हम गर्म पानी से नहा रहे हैं, मधुर और बिंदु को अभी ठंडे पानी से नहलाया जा रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि पशुओं को ज्यादा गर्म होता है ना, मन तो कर रहा है इसको भी मैं ठंडे पानी से नहला दूं, क्योंकि इसकी जो नींद है ना कई महीनों से अभी उठी नहीं भाई। अबे क्या होगा तेरा, कसम से ना कटा दे रे बाबा, क्या सोच के लाया था तेरे को बचपन में, सोचा तू बड़े होके शेर बनेगा, नाम भी तेरा शेरू रखा, लेकिन हे भगवान तू तो गिदड़ निकला बे, बहुत परेशान कर दिया इसने मेरे को, सारे सपने इसने मेरे एक ही झटके में तोड़ दिया साहब। शेर बनेगा शेर, ये तो उल्टा गिदड़ बन गया यार, हट तेरे से, अच्छा तू हमें मार खा के आता डेली, यहाँ आके सो जाता है। एक बात याद रख ले तू, आज मेरे बात याद रख, अगर तू अपने होश में नहीं रहा ना तो कुछ दिन में तेरे को यहाँ से बेदखल किया जाएगा, ठीक है ना? हाँ, इतना आलस्य है उसके अंदर कि भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो लट्ठी देखे तो एकदम उड़ जाएगा खड़ा।
तो अपनी माता श्री तो लगे हुए हैं इतने सारे बर्तन धुलने पे, रात के बर्तन है माए हैं, सुबह के बर्तन। तो भाई हमारे घर में सुबह इतने बर्तन धोने के लिए हो जाते हैं, तो लगा लो पूरे दिन भर कितने बर्तन। तभी मैं बोलू बिम बार क्यों मंगाते हो तुम हर दूसरे दिन, है इतना लगता है क्या इसमें? चलो बढ़िया 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 बढ़िया। माँ जी आज कहीं खेत में नहीं गई? अच्छा नानू अब चलो ठीक है ठीक। कौन खड़े नाना? अच्छा तो माँ बोल रही हूँ मैं जाती हूँ, बोला कोने खड़ने, कोने का मतलब जो परसों हल लगा ना, तो जो कोने होते ना वहाँ हल नहीं जाता है, तो वहाँ कुदाल से खड़ना पड़ता है, तो माँ बोल वहीं जाएगी आज। कोई बुला रखा क्या साथ में? कोई बुला भी रखा? अकेले? हमारे एक दो खेत तो ऐसे जिनको माँ जी ऐसे खड़ लेती है बिना हल के, भाई साहब पूरे दिन भर लगी रहती खेतों में। अब माँ को मैं मना कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मना करके कोई फायदा नहीं है, माँ ने करने अपने मन किए। फिर बोलती है अगर मैं काम नहीं करूंगी बल तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, इससे बड़ा बोले मैं खुशी खुशी करती हूँ बल, काम मेरे को करने दो बल, बस तुम खुश रहो बल। और आपको पता है हम खुश तभी है जब आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो हम भी दुखी फिर माँ भी ऊपर से दुखी। इसलिए आप अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहो भाई, मेरे लिए ना सही मेरी माँ के लिए। पहले यहाँ पे सो रखा था अब यहाँ पे चले गया, तेरी माया अपरंपार क्या होगा। आगे भाई सारे बर्तन धुलने के बाद माँ की तैयारी हो गई गोबर ले जाके खेतों में जाने की। माँ जी कब तक आने का विचार है? ए बाबा अच्छा तो माँ बोल रही हो सकता है बल्कि 2-3 बजे आऊँ, लेकिन मेरे को पता है शाम को आएगा, खाना खाने की होश भी नहीं आज। बाकी घर में शेरू मैं और नाना है, नाना जी तो यहाँ बिस्तर लगा के सो रखे, ऊपर से रजाई भी निकाल रखी है। तो नाना जी तबियत थोड़ा ऐसी है अभी, तबियत तो मेरी भी खराब है, पर क्या कर रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं। ये देखिए यार नल भाई साहब खुला, अरे बंद हो जाओ बंद हो जाओ, बहुत बहुत ज्यादा पानी दे दिया आपने, साल में एक बार पानी आता है और उसमें भी बहुत हल्ला करते हो, चुप रहो। बाकी भाई पहाड़ों का मौसम देखो क्या मजा आ रहा है देखने में, वाह। ले रहा हूँ आपको भी, ले रहा हूँ कैमरे में ले रहा हूँ, घबराओ मत, ऐसा मुंह मत मोड़ो, नीचे से मुंह फेर के आ रहे थे आप, आपको भी लेंगे कैमरे में, कैसी बात कर दी आपने। और हमारे व्यूअर्स को बताइए कुछ, बताइए दिन पर दिन खिलने का राज क्या है? ए बाबा नहीं बताया जाएगा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो सॉरी दोस्तों इस बार भी मैं नहीं बता पाया कि भाभी दिन पर दिन इतने खिल क्यों रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, वो गुप्त राज है, वो नहीं बताएंगे किसी को। इस विषय पे ये मुद्दा यहीं पे खत्म कर देते हैं, मैंने सोचा आज बता देंगे लेकिन नहीं, कोई नहीं बताता, सब जवानी का राज। अब हम क्या बताएं, हम तो खुद ही बूढ़े हो रहे उस उम्र में, अभी 27-28 साल के देखो बूढ़े हो गए, और वो देखो वहाँ 40-50 पे भी क्या खिल खिल रहे हैं भाई। वाह भाई साहब मानना पड़ेगा भाई, कलयुग कहाँ गया, हमारे ऊपर आना था इस कलयुग ने। तो दिन की 12 बज रही है और अभी दयाराम भाई काम कर रहा है। दयाराम भाई जैसे कि आपने मेरी वीडियो में बहुत पहले देखा होगा कि दयाराम भाई सबका काम करता है, लेकिन एक्चुअली उसको कोई वो दिहाड़ी नहीं देता, बहुत सारे लोग दे देते हैं लेकिन बहुत सारे लोग उसकी दिहाड़ी मार देते हैं। तो ये दयाराम भाई सीमेंट ले जा रहा है। हाँ दयाराम भाई क्या हाल है, क्या कर रहे हैं? बढ़िया ये ले, ये मेरी तरफ से ठीक है, ये खाने ले, ये कुछ पैसे ठीक है ना, है खुश, कोई दिक्कत? चल बढ़िया बढ़िया ठीक ठीक है, तय क्या करें। ये अपने दयाराम भाई मस्त काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और कभी भी कंजूसी नहीं करते काम करने में, बेधड़क होकर काम करते हैं, क्यों और ठीक है ना, बढ़िया चल ठीक है चलता भाई ठीक है। सबका काम करता है भाई दिहाड़ी पे, लेकिन दिहाड़ी हर कोई नहीं दे पाता, तो मैंने सोचा मेरे 60,000 सब्सक्राइबर है तो कुछ जो मेरे को लगा पॉसिबल मैंने भाई को रुपए दिए, जो भी दिया स्वेच्छा स्वभाव से दिया और सब आप लोगों का प्यार इसलिए दिया। चलिए काफ़ी अच्छा लगता है, मेरा पहले से ऐसी मोटिव रहा है कि जो भी गरीब है सबकी मदद करूं, क्योंकि मैं खुद गरीब घर से उठकर आया हूं, उतना अमीर तो हूं नहीं लेकिन फिर भी जो आप लोग प्यार कर रहे हैं उसी बदौलत इतना कर पा रहा हूं। और यहां पर तो शेरू लेट रखा मस्त करके, इसकी नींद तो नहीं टूटने वाली। और ठीक यहां पर नाना जी भी सो रखे हैं, नाना ठीक तबीयत? चलो ठीक 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 ठीक। चलिए पूछना ज़रूरी है भाई कि तबीयत ठीक है कि नहीं है, इतना हमें पता है कि तबीयत ठीक नहीं रहती उस उम्र में, लेकिन फिर भी एक होता ना उससे पॉजिटिव वाइब्स आती है। चलिए जी लगभग 3:30 बज गए और अनीता की आवाज मैंने सुन ली है, हेलो खुश रहो। चलो कैसी भी पढ़ाई? आज की वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं अनीता के लिए, माँ के लिए, बहुत सारे लोगों ने विश कर रखा है कि आपको बोल बहुत बहुत बधाई 60,000 सब्सक्राइबर की, अनीता को बोल ऐसे भाई मिले, तो क्या कहना चाहोगे आप? क्या हरकत कर रही, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या कह रहे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, बा ए भगवान मैं किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा भाई मिला। ओ, यस, 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 यस। चलो तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया भाई, तो मैं भी आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, माँ की तरफ से भी आप लोगों को प्रणाम करता हूँ और अपने तरफ से प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, इतने सारे विशेष किए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और अपना प्यार पहाड़ी भाई को दे दे रहे। चल कपड़े बदल और खाना खा ले ठीक है,
ये बाबा चुपड़ा खोल दिया। ये भाई साहब ये बड़ा डिफिकल्ट होता है भाई बनाना। तो शाम की 4 बज रही है और मधुली और बिंदु को बाहर निकालने का समय आ गया है। तो सबसे पहले अनीता रख रही है घास उनके गलियांडे पे और ये अजीब सी हरकत से चल रही है। क्या हो गया भाई तेरे को? तो बिंदु के लिए भी घास रख दिया है, मधुली के लिए भी वहां पे रख दिया है। आ रही है यजुरेंद्र बाहुबली। तो मधुली को निकालने के बाद उसको गलियांडे पे बांध दिया है। बाकी अब बारी है चहलकर्मी करने वाले बॉलर की। आ जा भाई, तेरा भी इंतजार हो रहा है। भाई समय अभी लगभग 6:15 हो रहा है और यहाँ देखिए कैसा हो गया अभी नजारा गांव का। और मधुली और बिंदु भी माँ के आने का इंतजार कर रहे हैं। माँ अभी तक नहीं आई खेतों से, और जैसे ही माँ आएगी मधुली तुरंत आवाज देना शुरू कर देगी। वो माँ की आवाज पहचान जाती है। तो चलिए जी, फाइनली माँ भी आ गई। अब देखना मधुली के रिएक्शन, इनको पता चलेगा कि माँ आ गई। ये देखो भाई दोनों चिल्लाने लगे माँ के लिए। ये देखो, देखिए जी इनका काफी अटैचमेंट होता है इंसानों के साथ। दोनों खुश हो गए जैसे माँ की आवाज सुनी इन्होंने। आइए आइए आइए, आपके मधुली और बिंदु आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा एक माँ के आने पे खुश होता है, वैसे ये दोनों खुश हो गए माँ जी के आते ही। माँ कहाँ थी आज दिन भर? चलो माँ ने बोला दिन भर कोने खड़े भाई। तो अब माँ जी हाथ पांव धुलेगी, उसके बाद दूध निकालेगी ने। अरे माँ थोड़ा बिंदु की तरफ देख भाई, ये क्या देख रहा तेरे को? देख क्या नाराज हो रहा हो? तो भाई शाम की 6:30 बज रही है और बाहर का नजारा कुछ इस प्रकार से है। हमारी लाइट भी ऑन हो गई है और निन्यारों की आवाज आ रही है। बाकी चलिए जी, माँ जी अंदर बैठ गई, माँ जी को गर्मा गर्म चाय दे रखी है और माँ चाय के साथ साथ मेरे ब्लॉग भी देख रही है। ऐसे नहीं माँ जी, ऐसे देखो, माँ जी काफी खुश होती है भाई ब्लॉग देख के। माँ जी को दिन भर टाइम मिलता नहीं, आदत पड़ेगी ना। माँ जी बोल रही आदत पड़ गई। माँ जी बहुत सारे लोगों ने बोला आपकी माँ बल बहुत काम करती है, भगवान बल हर बेटे को ऐसी माँ दे। खुश होते हैं लोग आपके काम देख के। लोग बोलते इतना काम कैसे कर लेती बोला आपकी माँ है। सलाम है बोला आपकी माँ के लिए। अच्छा, तो माँ बोल रही है कि आप सभी लोग जितने व्यूअर्स हैं सब बल भगवान की दया से राजी खुशी रहने चाहिए। बाकी माँ जी ब्लॉग देख रही आराम से। और बाकी एक डांस अभी और होने वाला है। क्यों होने वाला मैं आपको बता देता हूँ। कुछ दिनों बाद पापे घर आने वाले, यानी कि थारे भाई का पिताजी, तो आने वाले हमारे पिताश्री घर और फिर से महफिल जमने वाली है। तो माँ जी आज पिताजी का फोन आया, पिताजी बल कुछ दिन में आने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कुछ महीने पहले पिताजी थे, कैसी रौनक थी नी, और जैसे पिताजी गए तो कितना बुरा लगा उसके बाद। और फिर आने वाले हैं, फिर से कॉमेडी होगी। क्या पता इस बार आपके लिए क्या गिफ्ट आए। सही बात सही बात। तो पिछली बार जब पिताजी प्रदेश से आए थे तो उस टाइम वॉशिंग मशीन लाई थी, इतनी खतरनाक वॉशिंग मशीन थी कि जिसको जूते जूते से मार के ठीक रखना पड़ रहा था। चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। कैसे बेटा? बढ़िया बापे, गुड इवनिंग बापे। हाउ आर यू? फाइन फाइन बापे, फाइन। तो बापे ओके ओके ओके। कब आ रहे हो बापे फिर? बहुत जल्दी आ रहा हूँ बेटा मैं, दीपावली के बाद जो है ना। हाँ, और आपको पहले बधाई दे दो। अच्छा, 60,000 सब्सक्राइबर के लिए जो है। बहुत बहुत धन्यवाद बापे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियंस का तो बहुत प्यार है। और मैं जल्दी जो है ऑडियंस के बीच में आऊंगा। और कुछ स्पेशल गिफ्ट लाना माँ के लिए ना, जो आपने पिछली बार वो मशीन लाई थी जो जूते से ठीक की थी। इस बार माँ जी भी इंतजार कर रही है कि कोई ऐसा गिफ्ट आए हो दिवाली का। मेरा वो संभाल रखी हमने, ऐसी जगह संभाल रखी कि जहाँ जूते की भी इज्जत नहीं है। पुनः आपके ऑडियंस को भी और आपको भी जो है 60,000 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपका भी बहुत योगदान है, सबका योगदान है इसमें। सबका है बेटा, सबका। ठीक 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 है ठीक है, सबका प्यार ऐसे ही बना रहे है ना। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। मतलब घर थोड़ा ऐसा था ना अधूरा, नाच रहे क्या? फिर से पिताजी आने वाले, फिर से तहलका मचने वाला है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था क्या होगा, कुछ नया लाए, कुछ नया लाए,
फिर से नया आने वाला है। अरे स्टॉप 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 भाई साहब, यहाँ तो माँ कसम लगी वहां हो गया हो गया हो गया, सारे दिन भर मेरी माँ काम कर रही है, फिर भी नाचने की एनर्जी देखो यहाँ, ये हिस्सा है भाई ये देखो इनका डांस भाई साहब, इनको भी भयंकर खुशी हो रही। बस बस हो गया हो गया, वो आज ही तहलका मचाओगे तुम इतनी खुशी, बस हो गया चलो। तो काफी खुशी का माहौल है भाई घर में, बाकी जब पिता जाएंगे उसके बाद डबल खुशी का माहौल हो जाएगा। तो बाकी क्या बन रहा आज खाना? लौकी की लौकी लौकी अच्छा लौकी की सब्जी बन रही है। बाकी क्या करे, वीडियो को इतने रखे आज है, इनका तो आज इन कर दे आज। और क्या बोलना चाहोगे आप ऑडियंस को? बहुत प्यार दे रखा है लोगों ने आपको भी, थैंक यू सो मच। ये बाबा आज इंग्लिश में कर रही भाई साहब ये बात है, मेरे को लग रहा बहुत भयंकर ब्रिलियंट होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं रविंद्र भागड़ा और ये अनिता भट्ट, मिलते हैं किसी अगले फरीदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना और अपनों का ख्याल रखें।